तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और कमाल का वीडियो। इस वीडियो में मैं अनरैपिंग करूंगा इस कीबोर्ड कवर की, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हमें मिल जाता है। यूनिवर्सल कीबोर्ड कवर फॉर 15.6 इंच लैपटॉप, और अगर आपको 14 और 13 इंच के लैपटॉप के लिए चाहिए तो उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए जल्दी से इसको अनरैप करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप इजीली अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। आपको एक बार इसको अनरैप करने से पहले यहाँ अपने फ़ोन में दिखा दूँ जल्दी से इसकी प्राइसिंग वगैरह। तो ये जो टॉप पे कवर है, बेसिकली ये वाला है जो बेस्ट सेलर अभी फ्लिपकार्ट हाल फिलहाल में चल रहा है। 182 इसकी प्राइसिंग है, 15.6 इंच के लैपटॉप के लिए आता है ये। और अगर मैं आपको इसके कुछ रिव्यूज़ दिखाऊं, जैसे ये और ये, तो दोस्तों यही कुछ इसके रिव्यू वगैरह, और काफ़ी सही रेटिंग इसमें देखने को मिल जाती है हमें। और चलिए इसे साइड में रखते हैं और आ जाते हैं हमारे वीडियो पे। दोस्तों इसको लगाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आप अपना लैपटॉप ज़रूर ऑफ रखें, और दोस्तों उसी ऑफ स्टेट में अपने लैपटॉप का कीबोर्ड अच्छे से जो है क्लीन कर लें, और उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रह जाए, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं जल्दी से खोल के यहाँ बता देता हूँ। तो ये यहाँ इस पॉलीथिन में अंदर जो है यहाँ से चिपक रखा है, तो उसको जल्दी से मैं ऐसे करके निकाल देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे एकदम से आप निकालिएगा मत, क्योंकि इसकी स्टिकनेस की जो पावर है बहुत ही जल्दी लूज़ होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ जो मेरा लैपटॉप है, मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ। दोस्तों जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा जो लैपटॉप है Acer Aspire 5, आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आपको एक लैपटॉप का कवर ख़रीदना है बेस्ट अफोर्डेबल बजट प्राइस में, तो उसका भी जो है मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड चलिए इसे जल्दी से मैं इसे क्लीन करके वीडियो में लौटता हूँ। Few moments later. दोस्तों ये मेरा कीबोर्ड जो है लैपटॉप का, मैंने क्लीन यहाँ कर लिया है, और जब तक इस पे जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो सूखते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए किसी भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। उससे जो इसका पेंट होता है, और अगर आप उसको ही स्क्रीन पे यूज़ करते हैं तो उसकी जो एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है स्क्रीन की, उस पे हार्म होता है। तो आप जनरली जैसे मैं आपको यहाँ सैम्पल दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ एक ये कॉटन फाइबर का क्लॉथ है, इस क्लॉथ को हल्का सा गीला करके आप अच्छे से निचोड़ के इस पर फेर के इसको रब करके क्लीन कर सकते हैं। तो इससे जो आपके ऑयल के मार्क्स वगैरह भी हैं वो भी आसानी से हट जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के कॉटन क्लॉथ बनाए ही इस पर्पज़ से जाते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको जल्दी से जो है फिल्म लगा के दिखा देता हूँ। इस फिल्म के कुछ अलग अलग फीचर्स टाइप में हमें लिखे हैं, जैसे ऑब्वियसली वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ फोर्थ पॉइंट है हाई स्केलेबिलिटी फ्री रब एंड पुल, विच इज़ बेसिकली आप इसको किसी भी तरह से अच्छे से मोड़ तरोड़ दें और फिर वापस ही अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ ये लिखा है नोटबुक कीबोर्ड प्रोटेक्शन फिल्म। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो है फिल्म निकल रखी है, तो बेसिकली हम इसको यहीं से निकालना जो है स्टार्ट करते हैं, जिससे ये इजीली हमारे कीबोर्ड पे लग जाए। होपफुली ये परफेक्ट साइज़ आएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल के जो लैपटॉप कीबोर्ड्स आते हैं, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पीस में देख सकते हैं कि ये जो नंबर कीज़ है फॉर 15 इंच, तीन ही इसमें कॉलम्स दे रखे हैं हमें। पहले थोड़ा लार्ज आता था, उसकी वजह से लैपटॉप का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता था। तो आजकल कोई कोई फिल्म अभी भी उसी साइज़ में आ रही है, कीबोर्ड प्रोटेक्शन फिल्म्स। एंड चलिए इसको फिगर आउट करते हैं जल्दी से, और यहाँ हमारे कीबोर्ड पे लगा लेते हैं।
दोस्तों बहुत ही जो है थिन ये फिल्म इसमें देखने को मिल जाती है हमें, तो आप काफ़ी केयरफुली लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। और राइट, हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। और राइट दोस्तों, मेक श्योर कि इसकी साइड्स पे कोई भी बबल ना रहें, और इसको आप इतना यहाँ स्टिक करने के बाद इसको दूसरी साइड जो है मोड़ लीजिए तो बेहतर होगा। और आपको और कुछ नहीं करना है, बस के पास कोई भी किसी भी तरह का पेन या फिर मार्कर हो उसे लेकर आप इसके इधर रखिए, और इसके साथ ही साथ मार्कर को उस पे अगर आप रोल करते जाएंगे तो आपकी जो है फिल्म लगती जाएगी। एंड मेक श्योर कि जो भी बबल्स आ रहे हैं आप उसे अपने फिंगर्स से रब करके हटा दें। अगर आप मार्कर वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इन जनरल अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इन दैट केस आपको ऐसे बीच में बबल्स देखने को मिलेंगे जिसको आपको फिर से उखाड़ के सही करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो दोस्तों देयर वी गो, हमने बहुत ही एफिशिएंटली और क्लीन तरीके से इसे लगा दिया है। आप चाहें तो एक बार यहाँ चारों तरफ से इस पे हाथ सही से फेर सकते हैं जिससे ये फॉर्मली स्टिक हो जाए हमारे लैपटॉप की साइड सरफेस पे। तो ओवरऑल ऐसा ही हमारा लैपटॉप दिख रहा है, कोई भी कीज़ कवर नहीं हुई है। और टाइपिंग एक्सपीरियंस दोस्तों बहुत ही सही है, की ट्रैवल पे कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं है, और जैसा कि इस टच पैड की लाइनिंग पे मैंने सही से लगाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कीज़ पे बहुत ही इजीली स्टिक हो जाता है, और हल्का सा रबरी फिनिश जो है कीज़ पे ऑब्वियसली आ गया है, पर ऐसा कोई डिफरेंस आपको नॉर्मली लगेगा नहीं, और आपका कीबोर्ड जो है डस्ट प्रोटेक्टेड होगा जो अलग। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर यहाँ तक दोस्तों वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। जैसा आप लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियोज़ उतने ही लोगों तक पहुँचता है, ही ज़्यादा लोगों की दोस्तों मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखना पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक परफेक्ट कीबोर्ड कवर ले सकें उनके लैपटॉप के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर कीबोर्ड कवर चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग माई वीडियोज, कीप शेयरिंग देम, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।